बसो चैलेंजर टू का 14th क्वेश्चन है, द इंटरनल बायसेक्टर ऑफ एंगल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड। एक सर्कल गिवन है हमें, यहाँ पे रेडियस है एंड दिस इज द कॉर्ड। क्यों ये इंटरनल बायसेक्टर गिवन है? एंड दिस इज वाई जेड। सो हमें प्रूव कर रहे हैं टू प्रूव एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू। सो इसको कैसे करेंगे बेटे? कुछ लॉजिक्स हैं सर्कल के अंदर, जब सर्कल को यूज करेंगे यहाँ पर। सो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन क्या है मेरी? मैं ज्वाइन करूँगा ए टू क्यू एंड डब्ल्यू टू दिस। अब देखो, अगर आप इसको समझ गए होगे तो क्वेश्चन हो गया आपका। कैसे? डब्ल्यू एक्स इज अ रेडियस, डब्ल्यू इज अ सेंटर। डब्ल्यू अगर सेंटर है तो डब्ल्यू एक्स रेडियस होगी। सेम मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की, क्यों को डब्ल्यू से ज्वाइन किया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी रेडियस हो गई। ओके अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। सो यहां पर क्या हो गया, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू पी। ये सब क्या है? रेडियस। ओके अब ये इंटरनल बाइसेक्टर था, मैं लेट कर लेता हूं, ये मेरा एक्स है, ये भी क्या है, एक्स है। अगर ये एक्स है और जब साइड इक्वल थी तो ये भी तो क्या होगा, एक्स होगा। सेम ये एक्स था तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, बिकॉज दोनों साइड इक्वल थी, एंगल अपोजिट इक्वल, साइड सारी इक्वल। ओके सो नाउ आप इसको दो मेथड से यूज कर सकते हो, दोनों रूल अप्लाई कर सकते हो। देखो अब आपके पास में एक एंगल है, ये भी एंगल है, दो एंगल हो गए और साइड भी है, तो आप कैसे यूज करोगे? एस अगर आप लेके चल रहे हो, आपको साइड चाहिए एस ए, इसको प्रूव करना पड़ेगा अगर आपको एस ए एस रूल अपनाना है तो। एस ए एस साइड भी आपके पास में, बट आपके पास में दो एंगल भी हैं, ए ए एस से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, अब मैं प्रूव कर देता हूँ उसको। जब मेरे पास में इन ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स क्यू, ये टू एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर ली है, अगर ये x था, x प्लस इसको लेट कर लिया मैंने, w इज इक्वल टू 180। सो 2x प्लस w इज इक्वल टू 180 एंड w इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। ओके सो यहाँ पर क्या हुआ, लिखेंगे इन ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स क्यू क्या हो जाएगा, एंगल डब्ल्यू एक्स क्यू प्लस एंगल डब्ल्यू क्यू एक्स प्लस एक्स एंगल एक्स डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू 180 क्यों है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो डब्ल्यू एक्स क्यू को हमने क्या लिखा यहाँ पे, एक्स। डब्ल्यू क्यू एक्स को क्या लिखा यहाँ पे, एक्स। एंड दिस इज एंगल एक्स डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू 180। सो एंगल एक्स डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। सिमिलरली किसके लिए करेंगे, इन ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू पी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल एक्स डब्ल्यू पी इज ऑल्सो 180 माइनस 2x, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या गिवन है हमें, नाउ हमें गिवन था एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके, इस ट्रेंगल में अगर बात करें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में बात करें, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू पी। सेम क्या हो जाएगा, अभी हमने प्रूव किया एंगल एक्स डब्ल्यू पी इज इक्वल टू एंगल एक्स डब्ल्यू क्यू, इसको इक्वेशन मान लेते हैं लेट वन, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट और एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है हमारी रेडियस। सिमिलरली क्या हो जाएगा,
एक्स डब्ल्यू इजिकल टू एक्स पी हो गया, सो एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ये भी क्या हमारी रेडियस, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू पी कॉन्ग्रेंट होगा किसके ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू क्यू, और यहीं से हम प्रूव कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू बाय सी पी सी टी, और ये किससे किया था हमने, हमारे पास थी साइड एंगल साइड बाय एस एस रूल, हैंस प्रूव I hope this is clear to you.